देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। आपन इमोशनल ड्रामा बंद करा। हमके ई न सुने के बे तू करण खातिर का कहलु, करण तहरा का कहले रहे। हमके ई बतावा कि तू करण के कहलु कि उ पुलिस के कॉल करे, उ कॉल कर दे रस ना। हम ओकरा से बात कहने मना कर देले हूं। अभी तो हमनी के यहाँ से जाता नहीं, बस एक बार प्रीता अरोड़ा हमरे हाथ लग जाए और अब तो ओकरा पर फरार कैदी के भी चार्ज लगी। ओकरा सिर्फ 10 साल के सजा ना होगी, उसे भी ज्यादा सजा होगी। चला ना, हमके ऐसे काहे देख रहे बनी। पृथ्वी के फोन लगी ना रहल बा, कब से ट्राई कर रहल बानी। अरे हद बा, का जरूरत रहे ओकरा इंडिया से बाहर जाए के। यहाँ होकर तक कम से कम हमार मदद तक कर देत। पता ना हम जे कहनी सही कहनी की गलत, लेकिन वो प्रीता नाम के मुसीबत के अपन जिंदगी से हम हमेशा हमेशा खातिर निकाले चाहत रहनी। ओकरा खातिर हमके जे करे के रहे हम कहनी, लेकिन अब लागत हमसे गलती हो गई। जम जल हम प्रीता खातिर बिछेले रहनी, हम खुद ही ओकरा में फंसे जा रहल बानी। और हम मेरा कहली की शरीन तरह कोनो फर्क ही ना पड़े। अरे ओकरा का बताई, हमके बहुत फर्क पड़ेला। हमार पूरा का पूरा जिंदगी दाव पे लगल बा, का करी। पृथ्वी के फिर से फोन ट्राई करता नहीं। शालिन जी, तो लूथरास के कैसे टॉलरेट कर लेवल। हमके तमाहिरा खातिर अभी से टेंशन हो रहा। का भेल आंटी? हम अभी अभी समीर के करण से बात करते सुनी। उस सृष्टि से का बात कर लिया वो बारे में। का लोगन के समझ में ना आवेला कि ई घर में केहू भी अरोड़ा से बात न करे चाहेला, अरोड़ा से कनेक्शन न रखे चाहेला। फिर भी इनका तोके पता बा, प्रीता फरार कैदी घोषित कर गयी। What? प्रीता फरार घोषित? I mean, that's a very bad news for Prita. That's my point. Baby, come here. Give me a hug. ये बातों की इतना आसानी से समझ में आ जाला, ये लूथरास की समझ में काहे ना आवेला। करण तो बोल दिले कि वो गुंडा के घर में रखे जब तक उसकी होश ना जाए, होश आवे के बाद ओकरा से पूछताछ करिए। What is this? कोनो खानदानी पढ़ा लिखा लड़का जे एगो एस्टैब्लिश क्रिकेटर है, वो एगो गुंडा के पीछे चला। अच्छा गए, ओके कोनो पकड़ भी ले, ओके बात तो पुलिस के फोन करा ना, ओके लेके आई जा आ गई, फिर पुलिस के फोन करा ना, और अब ये घर में क्यों पुलिस के फोन ना कर रहा ला। एंड टू टॉप इट ऑल, दिस लूथरा ब्रदर्स, अब ई लोग एगो फरार कैदी के कैसे पुलिस से पूरा दुनिया से प्रोटेक्ट करी ओके प्लानिंग कर रहा बड़ी। To be honest with you, हमके ना लगेला ये घर से क्यों भी पुलिस के बुलावे वाला। It's completely ridiculous. Hello? पुलिस स्टेशन? जी हाँ? हमके आपके कुछ इन्फॉर्मेशन देवे क्या? कैसन इन्फॉर्मेशन? उजे लेकी बाड़ी ना, जेकरे ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर के केस चल रहा ला, जे आपके कस्टडी से भाग गयला, जे माहिरा खन्ना के ट्रक के सामने धक्का देले रहे, ओके लूथरा हाउस में जाते देखल गयला। What did you just do? एक का कहलू महरा, एक काहे कहलू? मॉम, हमें बिल्कुल सही कहनी है, एकदम सही आई। प्रॉमिस में, आप केहू के कुछ ना बोला, प्लीज मॉम। लूथरा फैमिली में केहू की पता ना चले के चाहिए। शर्ले, ये अब शो। आई प्रॉमिस, प्लीज। ओके, काम डाउन, कम हियर। कहा रहलो तू? बोले रहनी ना, हम रूपाली कहले रहनी ना, हम करण सर से झगड़ा करे गए रहनी बस। कहा रहलो तू सृष्टि? सृष्टि जा, तू अंदर जाके थोड़ा आराम कर ले। जा, कह रहल बानी ना, अंदर जा। बीजी एकरा पता बा कि प्रीता कहाँ बाड़ी, और तू भी अपन लड़की के जाने लू ना।
अगर वो ठीक ठाक घर में हमनी के पास खड़ा बाड़ी तेकर मतलब प्रीता भी सही बाड़ी। कहे कि अगर प्रीता सही ना होती तो सृष्टि ऐजा ना खड़ा होती। मुझे अब का बोला तनी हमरा कुछ समझ नहीं क्या आवत। सरला हम ही कह रहल बानी कई दफा जे बात समझ में आवेला वो कहल जरूरी ना होखेला, ओके समझले जरूरी होखेला, मन में ही रखा। हाँ सरला कई बात जे ना कहल जाए तब भी ठीक है। जानकी हमार दवाई के टाइम हो गए जाके ले आवा। का कर रहल बड़ा तू? पैसा ढूंढना तनी मिल जाए तो लूट ले। शेम ऑन यू रिसफ, अमीने को बेहोश आदमी के पैसा निकाल रहल बड़ा। रुक रुक लगे बा का चोरी करके जोन ओकरा से चोरी करब हम? मजाक करत नहीं, चिल कर, रिलैक्स कर। हां तो हम भी तो मजाक ही करत रहनी। करन कुछ बोलत नहीं कि ऋषभ भी अगर आप असली में चोरी करत नहीं, मतलब ऑब्वियसली तो चोरी थोड़े ना करे आप। हमरा ऐसा लगल कि आप कुछ ढूंढत रहनी। का ढूंढत नहीं भाई, मजाक करत रह के पंच लाइन मारत रह ना। अरे ना ना ऋषभ, हम तो आपसे मजाक नहीं करत, हम तो आपके अच्छे से जानत नहीं ना। आप कोनो भी काम बिना वजह के ना करें नहीं। आप कुछ ढूंढत नहीं, डेफिनेटली कोनो ऐसा चीज ढूंढत नहीं जो हमने के काम आए। तरह के बतावे कि हम कहाँ ढूंढत नहीं? सबूत कि प्रीता जी कुंगर केस में हेल्प मिले, कोनो नंबर, कोनो आईडी, कोनो फोन कुछ तो मिलो ताकि केस में हेल्प होके। कुछ मिलल? हाथ में कुछ दिखाता हमार? तो फिकर मत करा, समझला जन तो के कर जेब में ना मिलल ना, एकर जुबान उगली। अरे बेटा ये बहुते ढीठ गुंडा हो खेले, हमरा ना लगे लाई मुंह खोले वाला बा। मम्मी जी अगर ये ना मान लेना तो कोनो बात ना, हमारी दुरु बेटा है ना उनकरा से सब सच्चाई गुलवा के रही है। और माना के ओकर सच्चाई ना उगलल तो फिर हमार दोनों बेटा ओकर ऐसन पिटाई करी है, ऐसन पिटाई करी है कि उनके सच बोले के ही पड़ी। ठीक बा बेटा हमरा के नींद आ रहल बा, हम जाता नहीं सूते। लेकिन एक बात सुना, ये जो तू कर रहल बड़ा ना ये हमरा के अच्छा ना लगा था। लेकिन हम तहार साथ देता नहीं, कहे कि तू हमार प्यारा पोता बड़ा और हम तरह से बहुत प्यार करेगी। इसे तो आपका अपन गर्लफ्रेंड बनोनी हम। गर्लफ्रेंड नंबर वन, आई लव यू। बदमाश। गुड नाइट। गुड नाइट जी। समी, ये समीर ऐजा से अचानक से चल काहे गई? मामी जी हमरा ना थोड़ा सा फिक्र हो रहल बा। ये जे हो रहल बा घर में वो तो हो रहल बा, लेकिन आप सोची ना कि प्रीता और सृष्टि के फैमिली पे का असर होत हो ये वक्त। कृतिका बिया तो हमार बेटी, लेकिन हमरा से ज्यादा भाभी के बात मानेली और हर वो इंसान से प्यार करेली जेकरा से हम सबसे ज्यादा नफरत करता नहीं, जैसे उस सृष्टि अरोड़ा। सैमी के फोन करके बतावता नहीं कि यहां पुलिस आई रही। हाँ सृष्टि बोला। सैमी सुना, यहाँ पे ना पुलिस आई रही, दीदी के ढूंढत रही। का बात करो तो सृष्टि पुलिस घर आई रहा है? कब है ऋषभिया? सृष्टि के फोन बा कहती है कि पुलिस ओकरा घर आई रही और प्रीता के ढूंढत रहे। हमरा के तो फोन आई ली। सृष्टि तो बिल्कुल टेंशन मत ला, प्रीता जी लुथरा हाउस में पड़ी, एब्सोल्युटली सेफ पड़ी। उंकरा के कोनो टेंशन नहीं है। तू भी घर पे इन्फॉर्म कर दा और एजा उंकरा के कोनो बात के कोनो खतरा नहीं है कि उंकरा के टच भी नहीं कर सका। थैंक यू ऋषभ जी, आपके पता भाई यहाँ पे जो इंस्पेक्टर आई रू कितना गुस्सा में रहे। गुस्सा में रहा था तू का टेंशन लेते रहो सृष्टि, उंकरा के रहे था गुस्सा में। आप ड्यूटी ढंग से ना निभाले सर, अब गुस्सा दिखाओ था। अब गुस्सा तो हमने क्यों चाहिए ना, वो प्रीता जी का अरेस्ट कर ले बिना कोनो वजह के। जब प्रीता जी कुछ कही भी ना कही तो बिना इन्वेस्टिगेशन के उनका अरेस्ट कैसे कर लेला? अब बिल्कुल सही कहनी ऋषभ जी, जब दी कुछ कही ही ना बानी था। ऋषभ जी आपके आपके एक बात अजीब ना लग रहा है बा, जब दी मायरा के धक्का ही ना देले बानी तो ई शर्लिन जी क्लेम कर रहा बिया कि ओकरा पास वो वीडियो बा, वो कैसे बन सकेला? आई मीन जी चीज भयली ना बा, ओकर वीडियो कैसे बन सकेला? ऋषभ जी आपके ना लगेला जे शर्लिन के पास वीडियो बा हमार दी के, ओकरा में कुछ गड़बड़ बा? I mean, it's the 21st century.
यहाँ पे कुछ भी हो सकेला। और हमनी इस फिल्म में, सीरियल में, मूवीज में ये तो देख ले बानी कि चीज मॉर्फ करके लोग फेक वीडियो बनावे ले। सृष्टि हमरा के खोल के बताओ का बोले के चाहत रहो। ऋषभ जी हम ही कहे चाहता नहीं कि दुनिया में हजार वीडियो बनेला, लोग तरह तरह के वीडियो बनावे ले, लेकिन जब बात कानून के आवे ले तो सबूत पहले फॉरेंसिक जांच खातिर जावेला, ओकरा बाद उस सबूत के कोर्ट में लाल जावेला। हमके लागत था कि ये वीडियो फॉरेंसिक जांच खातिर गयल होगी, और गयल भी होगी तो हमके डाउट बाकी ये फेक वीडियो के असली बनावे खातिर केहू शायद पैसा भी खिलाई ले होगी। यू नेवर नो। सृष्टि हमरा के तनी सा टाइम दे, हम तरह के कॉल बैक करत नहीं। ओके काबिल शबिया का बोलत रहे होई तो अब समीर एगो ना बहुत सारा सवाल उठी अब, और शलिन के सारा सवाल के जवाब देवे के पड़ी। शर्लिन आई एम रियली वरीड, कहीं कोनो प्रॉब्लम तो ना होखी ना। आंटी तो पुलिस के फोन करे से पहले सोचे के चाहत रहे, और हमके लागत अजय मायरा कहले भी और गलत कहले भी। शर्लिन हम कुछ गलत ना कहनी, तू ऐसे काहे बोल रहा बड़ू। तू देखिए जीत हमारे ही होखी। जीत, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? अब आंटी मायरा के बोले के मतलब बा कि जब पुलिस अहिजा आई प्रीता और गुंडा के अहिजा से ले जाए तो हमनी पे वो फरार कैदी के पनाह देवे के इल्जाम ना लगी। हाँ वो तो हाँ मॉम, क्या उसे कुछ ना कह गया याद था ना। ओके बेटा। ओह माय गॉड, अब क्या आई लो की वक्त कहीं पुलिस तो ना आ गई। ओह माय गॉड, जाके देखा था नहीं। हाँ शर्लिन अब देखिया पुलिस ना प्रीता गुंडा दोनों के लिए जाए जैसे, पर आई होप वो भाभी अपन मुंह ना खोले। इसे कुछ ना होके शर्लिन, चलो देखा जाओ। कब से डोरबेल बजा था हम देखा था ना। ना तू दोनों रुका, हम देखा था नहीं। अगर मायरा के पापा के पता चल गए ना कि हमने कौन मुसीबत में जब फसल बनी, तो वो हमके कब माफ ना करी है। हमार पूरा लाइफ, सब रिश्ता, सब स्पॉइल हो जाए। लेकिन हमार सुने ली का है ना, पता ना करण लूथरा के पीछे इतना पागल काहे बाड़ी। अगर सच में पुलिस होखलता काबिल मोम आप इतना टेंशन में काहे बनी। काबिल काबिल करण बाहर पुलिस भी आ। Please be just take quiet. Everyone, just take quiet. Okay? ये तो सच में पुलिस आ गई। अगर पुलिस घर के अंदर आ गई तो बहुत बड़ प्रॉब्लम हो जाए। वैसे तब सब शर्लिन और हमके ही पता है कि ये फोन मायरा कई ले रहा ली। मगर पुलिस बहुत स्मार्ट हो खेली, उनके डाउट भी हो गए ना तब। आई थिंक हमके अंदर चल जाए के चाहे। वैसे भी ये प्रॉब्लम तो लूथराज के हा, हमके तो मायरा के और अपना आप के सिचुएशन से निकाले के हा बस। दरवाजा खोला पुलिस। समीर तो काम करा है क्या छुपावा?
तू एगो काम करा, तू यहाँ सब कुछ मैनेज करा, हम प्रीता के पास जात बानी। वो एक नंबर के डफर भी है, अकेले होगी तो पकड़ जाए, हम जात बानी। तू जाओ ने। तू मैनेज करा, समय जल्दी करा। मिस्टर ऋषभ, दरवाजा खोली, दरवाजा पर पुलिस भी आ। अरे इतना रात के दादी, दादी का हो गई? किडनैप हुआ दादी, मेरा शरीर। कम यार, कम यार, कम यार। ठीक बा, बाहर पुलिस बा। जैसे ही हमने के दरवाजा खोले, पुलिस अंदर आई, हमने के ओलो के ई फिल करवाए बा कि हमने के प्रीता जी के अगेंस्ट बानी, उनकर फेवर में नहीं खी, उनकर फेवर में नहीं खी, हमने के उनकर अगेंस्ट बानी। पुलिस के विश्वास हो जाए के चाहे कि लूथराज प्रीता जी के खिलाफ केस के लिए बालो और ये लोग ओलो के खिलाफ ही बालो। ठीक बा, के उनकर फेवर में ना बोली, अगेंस्ट बोली। डिड यू ऑल गेट इट? कन्फर्म? हम बाहर जाते नहीं दरवाजा खोले खातिर। सब लोग प्रीता जी के अगेंस्ट बोली, फेवर में क्यों ना बोली। मम्मी जी, हमने वो काम करते नहीं, पुलिस के हेल्प कर देता नहीं, करण के समझ ना आ रहा, लोकरा साथ साथ पूरा परिवार फंस जाए। शालिन, तू ना समझ रहा है बाड़ू, इस सिचुएशन में तो के अपन फैमिली के साथ देवे के चाहिए, और अगर तू इसे ना कर सके लू ना, तो चुपचाप अपन कमरा में चल जा, हमने सिचुएशन हैंडल कर ले, और जब सब कुछ नॉर्मल हो जाए तो हमने तो के बुला ले। ठीक है, जा। आई एम सॉरी मम्मी जी। हम कहते नहीं दरवाजा खोला, आओ तनी। बड़ा देर कही देनी दरवाजा खोले में, काहे? हमरा से पूछा था नहीं कि हमें इतना देर काहे लगा देनी दरवाजा खोले में। हमरा आपसे पूछे के चाहे कि हमरा बिना परमिशन के, बिना केहू से पूछे भी, आधी रात के हमरा घर के बाहर बेल बजाओ था नहीं, हमारे घर वाला डेरा गए, सब लोग उठ के बाहर आ गए कि का भइल बा, आधी रात के बेल बजाओ था। हम आपके घर पे अगर बिना बतौले बेल बजाई आधी रात के, तो आप भी डरे, आपके फैमिली भी डरी, आपके अगर केहू घर में जाए के रहल, इतना ही इमरजेंसी रहल, तो एटलीस्ट इन्फॉर्म करके आए के चाहत रहल, राइट? मिस्टर ऋषभ, शायद अब भूलता नहीं कि हम पुलिस वाला बनी, और पुलिस कबो केहू के घर में इन्फॉर्म करके ना जाला, खास तौर पे वो घर पे जौन घर के बारे में हमनी के पता चला था कि वहां पर कुछ गलत हो रहा बा। अंडरस्टैंड? गुंडा बहुत भारी बा, अबे का खाला तू, पड़ोस के बच्चा पकाई का भाई? अरे भाई देखा ना यार, एक इंच नहीं हिलाते आदमी यार, नए नए होने लगता है, कुंभकर्ण के भाई बा। रुक जा, हम तुम्हारा हेल्प करते हैं। ना ना ना, आप प्रीता के लेके जाइए, हम संभाले मैं करके। पक्का? हाँ आप जाइए। ओ हिला, ओ, 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 अबे प्रीता, प्रीता, अरे दरवाजा कहने के गलत यार। भाई सुतत हुई, तू थक गई लगा, ओके कहाँ छोड़ ले बड़ा? भाई यार बहुत भारी बाहू। हाँ तो ओके ऐसे घसीट के कहाँ चल रहा है बड़ा तू? दादी के व्हील चेयर यूज करे ना, ओके जहाँ लेके जाए कबा लेके जा, समझ ला, जा व्हील चेयर ले आओ। ठीक भाई, वो काम करते नहीं, पहले ओकरा के पर्दे के पीछे छिपाओ तो नहीं, ओकरा बाद व्हील चेयर लेके आओ तो नहीं। हम बारी यहाँ। ओके विंडो से जात पानी। का गलत होता और बात कैसे करता नहीं आप? जो ना तरीका से आप बात करता नहीं, ऐसा लगा था कि आप हमने के ऊपर इल्जाम लगाओ था नहीं, जैसे हमने के कोनो क्राइम कर लिया होगी। आप वर्दी पहन के आले पानी, यही से हम आपसे इज्जत करता नहीं। केस से रिलेटेड कोनो बात करे एक बात करी, वरना जैसे जाए प्लीज। मिस्टर ऋषभ, हम केस से रिलेटेड बात करे ही आयल बानी, शायद आपके सुन के झटका लगी कि प्रीता अरोड़ा पुलिस कस्टडी से भाग गई दिया।
भागल बड़ी? ओह माय गॉड, प्रीता भागली, प्रीता भागली, शॉकिंग ना, शॉकिंग, कितना बड़ा शॉक देने यहाँ पे इंस्पेक्टर साहब, हम लोग तो बिलेवे ना कर पा रहे अलबानी, और आपके होकते प्रीता कैसे भाग सकेली, है ना, मम्मी, नानी, हाँ, शॉक की तई बात बा, हाँ, शॉक की बात भाई, का बात बा, हम आप लोग के इतना बड़ा न्यूज़ सुने नहीं, और आप लोग के रिएक्शन इतना लेट का है बता, इंस्पेक्टर जब आप हमने के घर लेट आ सके नहीं तब हमने के रिएक्शंस लेट ना आ सकेला करेक्ट ओ गॉड ई भाभी भी ना सिर्फ प्रीता के अगेंस्ट होके के एक्टिंग करे खातिर कहले रहनी पर इनकर तो पुराना आदत बा एक्टिंग से ज्यादा ओवर एक्टिंग करत नहीं और इनके ही ओवर एक्टिंग हमेशा पकड़ल जाला आई होप आज ना पकड़ल जाए यहाँ पुलिस आए एल्बिया हमनी इतना टेंस बनी और भाभी भाभी प्रीता के बचाए में लगल बनी और वहाँ वो करण प्रीता के जेल से बाहर निकाले में लगल बा ई दोनों के प्रीता खातिर प्यार बना पूरा फैमिली के नाले डूबे प्रीता अरे दरवाजा खोलत बनी ना तो पुलिस के शक हो जाएगी दरवाजा काहे बंद बा प्रीता मिस्टर रेसब हमके आपके घर के तलाशी लेवे के बा तलाशी काहे ना ना इंस्पेक्टर साहब आप हमने के घर के तलाशी वाला से ना ले सके नहीं हाँ बोल दे बतानी हम इंस्पेक्टर साहब आप यहाँ से चल जाएं हमने क्या अकेला छोड़ दी प्लीज इंस्पेक्टर साहब आपके शक है ना कि हमने प्रीता के घर में छिपा के रख ले बानी हमने के मुँह से सच उगलवावे चाहे नहीं ना तो ठीक है आज हम केहू के भी ना सुनब हम आपके सच्चाई बता दे बतानी आज हमने पूरा लूथरा परिवार प्रीता से बहुत ज्यादा प्यार करे नी और आप लोगों से बचावे खातिर हमने प्रीता के घर में छिपा के रख ले बानी जेल के कैद से बचावे खातिर हमने प्रीता के घर में रख ले बानी अपने साथ इंस्पेक्टर साहब आप हमने के मुंह से यह सुनने चाहत रहनी ना सुन लेनी ना आप लेकिन सर आपके ना लगेला कि आप हमने पे कुछ ज्यादा ही शक कर रहल बानी माँ बस आप चुप हो जाइए एकदम रिलैक्स करी वैसा कुछ सोचते नहीं थी आप थोड़े ना ऐसा कुछ सोचा था नहीं है ना ऐसा तो सोचते नहीं थे आप माँ वैसा कुछ नहीं कर सोचा हमारा मालूम बात लेकिन ऋषभ आधी रात के वो लोग हमने के घर पे आयल बा ये बात से आप डिस्टर्ब बानी आपके बुरा लगल बा मॉम लेकिन वैसा कुछ भी नहीं कर सोचा आप टेंशन का लेता नहीं हम मानी मॉम बात करते नहीं मॉम कृतिका तो संभाले मॉम के हम थैंक गॉड ऋषभ भैया मामी जी के चुप करा दे ले वरना मामी जी तो प्रीता से इतना प्यार करेली कि प्रीता के अगेंस्ट जाए के एक्टिंग में भी इनका प्यार झलकता मामी जी के बात से इंस्पेक्टर के पता चल जात कि हमने सब प्रीता से कितना प्यार करी नी हमने के बस इतना सा सिंपल सा बात का एक बाकी जब हमने के खुद प्रीता के खिलाफ कम्प्लेन कर ले बनी तो हमने क्यों करा के अपन घर में काहे लेके आए काहे सपोर्ट करें जा अगर हम आपके कम्प्लेन करें तो आप हमारा से हेल्प मांगे आए का ना मांगे ना सिंपल बा कैसे मांगे वैसे प्रीता जी के भी हम हेल्प काहे करें कैसे करें सवाल है पैदा नहीं क्यों और रहल बात हमारे परिवार के हमारे परिवार तो उकरा से बहुत ज्यादा नफरत करे ले बतावा सब लोग कितना नफरत करे ला तू लोग हाँ बहुत ज्यादा हम जाना था नहीं कि आप सब लोग प्रीता से कितना नफरत करे नहीं करेक्ट और करे भी काहे ना वो आपके घर के होखे वाली बहू माहिरा पर हमला के लिए भी है हाँ वे तो हो सकेला कि अपन बदला पूरा करे खातिर दोबारा घर में पनाह ले हुई अरे यार हम आपके इतना देर से समझाओ तो नहीं आपके समझ में काहे नहीं आवत हम सिंपली बोला तो नहीं कि हमने के काहे सपोर्ट करें वो हमने के घर में काहे आए जब हमने के ओकरा खिलाफ कंप्लेन के ले बानी सर ये हम आपके समझाए के कोशिश करते नहीं कि प्रीता जी ऐजा नहीं थी जैसे आप आनी तो हमने के पता चल गए ना ऐसे ही अगर प्रीता जी भी आई थी तो हमने के पता चल जाये ना लेकिन ना पता चल एक मतलब ऐजा ना आईली ठीक बा अगर आप इतना फोर्सफुली कह रहे बानी तो हम आपकी बात मान लेता नहीं बट ड्यूटी इज ड्यूटी तो हमने के तलाशी ले ही लेवे दा तलाशी का बाना
हमार जिम्मेदारी, हमार फर्ज बाकी, हमने आप लोग के जान बचाई। और सबसे बड़ा बात यह है कि केहू हमनी के फोन करके इन फोन कैले बा कि प्रीता अरोड़ा यही घर में छिपल बिया। एकर मतलब ही साफ बा कि ओकरा ई घर में केहू आते हुए देखले बा। आपके केहू फोन करके इन्फॉर्म कैले बा कि प्रीता जीजा हमनी के घर में बड़ी। यस, तब का कहतनी आप, तलाशी ले ली? हमार घर में हमार परमिशन के बिना आप तलाशी नहीं ले सकते इंस्पेक्टर। ये हमार घर है और हमार घर में सीसीटीवी कैमरा लगल बा। के अविला के जला ये बारे में हमने के सारा इन्फॉर्मेशन रहेला। प्रीता जीजा नहीं की। एंड थैंक यू सो मच कि आप हमने के केयर करें। आप आधी रात के हमने के सेफ्टी खातिर पे जान नहीं, हमने के प्रोटेक्ट करके चाहते नहीं, एकरा खातिर बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आप प्लीज जाइए। मिस्टर ऋषभ, हमरा कानून के फॉर्मेलिटीज पूरा कर लेवे दा। अब अगर केहू हमनी के फोन करके इन्फॉर्म कैले बा तो हमनी के एक्शन लेवे ही के पड़ी। ना, हम आपके इज्जत तलाशी लेवे ना दे। हमके हमार ड्यूटी करे से केहू ना रोक सकेला, आप भी ना। इंस्पेक्टर, हमार घर में बिना परमिशन के बिना वारंट के केहू सर्च ना करे। हमरे पास आपके घर के सर्च वारंट बा। आपके लगे हमारे घर के तलाशी करके वारंट पा? कांस्टेबल, पूरा घर के तलाशी ला, एक एक कमरा के छान मारा। अरे इंस्पेक्टर साहब, का करता नहीं आप लोग? प्रीता? हाँ, का हो गईल? प्रीता का भईल? चलान दा। ऐसे काय करे तड़ा? अरे प्रीता अरोड़ाई, ई टैप काय खोल के रखले बड़ू? हां तो के निके पता कि पानी कितना कीमती बा? हां ई तो हमरा के सिखा रहल बा। ऑफ कोर्स, तब तो के सिखाए यार, एकर दुगो रीजन बा। एगो तो पानी इतना कीमती हो खेला और ओकर आवाज इतना आवेला कि बाहर कुछ भी ना सुनाई देला, समझ लो। कुछ मत बोला, बिल्कुल चुप रहा। कौन आवाज है? बाहर पुलिस आई बा। एक एक कमरा के तलाशी ले अच्छा तरह से। कमान मूव फास्ट। लगा था पुलिस यही तरफ आवता। का करे, कहां ले जाइए रख के? जल्दी जल्दी, कमान फास्ट मूव। अरे कमरा के अच्छा से तलाशी ला। ये कमरा में देखा, वो कमरा में देखा। ओह गॉड, आवाज ना। का करी, का करी? एक सुना सुना, कुछ देर तक तो क्यों इसी वॉशरूम में छुप के रहेगी पड़ी। बिल्कुल आवाज मत करिए, कुछ भी मत बोलिए, ओके? हम भी तो संग रहा। बाहर पुलिस आल भी है। विनोद, वो कमरा में देखा, तू यहां देखा। ये बंदा के कहां छिपाई यार? एक काम करते ना, एक बेड के नीचे छुपा देते। नहीं ना ना, पुलिस आई ना तो सबसे पहले उजा चेक करे। का करी, कहां छिपाई, कहां छिपाई? ना ना, ये भैंसा हमें कहां से फिटाई अलमारी में? सारा कमरा के अच्छा से तलाशी ला। मोटा के चक्कर में तो हम भी फंस गए नहीं अलमारी के पीछे। अगर पुलिस देख ले ना तो हम भी पकड़ जाए। का करें यार? हमार समझ में तो यही ना आ रहा ला कि पुलिस के फोन करके के बताइले कि प्रीता हमने के घर पे आ। के कर सकेला ही? भाभी, करण और प्रीता रास्ता से घर के अंदर आयल बानी। अब कार से उतरत वक्त केहू उनके देख ले होगी और पुलिस के फोन कर दे ले होगी।
मम्मा लेकिन प्रीता कोनो इतना फेमस थोड़ी बाड़ी यो देख के ओकरा के फोन कर दी। मम्मी जी ऐसा भी हो सकेला ना कि जब करण और प्रीता घर के अंदर आवत रहले वो गुंडा के लेके तो उनके देख के केहू फोन कर दे ले हो की। लेकिन शर्नी लोगन के ई कैसे पता कि उजे आदमी करण प्रीता अंदर लेके आवत रहे वो गुंडा रहे। ये भी तो हो सकेला कि कोई पी पा के रोड पे गिर गई लोग है। ऋषभ जी आप हमके ऐसे काहे देख रहे बानी? हम कुछ ना कहले बानी। ऋषभ जी आपके ना लागेला जे शर्लिन के पास वीडियो बा हमार दी के ओकरा में कुछ गड़बड़ बा। शर्लिन हमरा प्यास लगा था। आई नीड अ ग्लास ऑफ वाटर। जी हम अभी आए नहीं। ऋषभ ऐसे अचानक से जैसे चल गए मतलब ही कुछ तो करे जा रहा ला पर का। ऋषभ जी पानी। थैंक यू शर्लिन। शर्लिन तारा याद पा तारा फोन में एक वीडियो रहे जो हम देखे के चाहत रहे और हम तारा से बोले रहने कि हमरा के वीडियो दिखाओ और तू हमरा के ना दिखले रहलो। ओ गॉड लगा था फिर से हमारे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करे वाला भाई। शर्लिन हम तारा से कुछ पूछा था नहीं ना तारा याद भैया ना। ऋषभ जी उस दिन कहा भैल कहा ना भैल हमके कुछ ना याद रखे के बा आप हमसे का कहनी का ना कहनी हमार घर छोड़ के जाइल हमार वापस आइल हम सब कुछ भूल जाए चाहता नहीं। ऋषभ जी आपके पता बा आपके कहल एक एक बात के कितना असर पड़ेला हमरा पे कितना मायने रखेला हमरा खातिर। उदिन आप हमरा से जौन तरह से बात कहनी हमके बहुत तकलीफ भय ई परिवार के साथ रह के जे खुशी हमके मिलेला ओकरा बदले ई परिवार से दूर जाए के दर्द हमके मिलल या फिर ई कहे कि हम चुननी। ऋषभ जी उ दिन इस सब यही खातिर भयल कहे कि आप हमरा पे इल्जाम लगेनी वो भी कहे खातिर एगो छोटा सा वीडियो रिकॉर्डिंग खातिर। हमके लागत रहे कि जब हमार पति हमरा पे विश्वास ही न करेला तो ये घर में रह के का फायदा ऐसे हम घर छोड़ के चल गए रहनी। लेकिन जब मम्मी जी और करीना बुआ घर रहनी तो वो हमके समझेनी और जब हम घर वापस आनी तो आप हमसे अच्छा से बात कहनी हमके लागल सब कुछ ठीक हो गए। ऋषभ जी सब कुछ आप ही ठीक कर ले रहनी प्लीज सब कुछ ठीक रहे दी। ठीक बा जैसन तू बोलबू वैसा नहीं हुई ये चाहता रहो ना कि सब कुछ ठीक रहो सब कुछ ठीक रहे। शर्लिन अभी अभी तू हमरा से कहलू ना कि हमरा तारा ऊपर एगो छोटा सा वीडियो रिकॉर्डिंग वजह से शक भइल बा हम भी तारा ऊपर शक करे के नहीं चाहत उस शक ऐसे भइल क्या कि तू ओबरा हमरा के वीडियो रिकॉर्डिंग ना दिखले रहलू और तू मम के ये कहले रहलू ना कि अगर हम नॉर्मली अच्छा से आराम से प्यार से तारा से फोन मांगती था तो तू दे देतू हमरा के ये कहले रहलू ना तू जी आज उतना ही प्यार से उतना ही आराम से उतना ही नॉर्मल तरीका से हम तारा से बोला था नहीं शो मी द फोन शर्लिन आई वांट टू सी द वीडियो। लेकिन काहे ऋषभ जी कहे कि हमरा लगा था कि तारा फोन में जोन वीडियो बा में कोनो प्रॉब्लम बा यही से आई वांट टू सी दैट वीडियो। अगर आज तू हमरा के वीडियो ना दिखलो ना शर्लिन तो हमरा तारा ऊपर फिर से शक हुई हमारे दिमाग में फिर से हजारों सवाल उठे कि और के होने के तू ही बाड़ू जी प्रीता जी के नुकसान पहुंचावे के चाहता क्या सबूत हुए छुपावेला ना जेकरा मन में चोर होकेला जे क्यों के भला ना चाहेला वही छुपावेला ना। शर्लिन आई वॉन्ट टू सी दैट वीडियो। बिल्कुल आवाज ना पुलिस अगर कमरा की तलाशी ले ताड़ी ना सबसे पहले तो वॉशरूम में आई नाइयों में चुप कहे ना आई वॉशरूम में सबसे पहले इंसान जाके वॉशरूम में छुपेला कमरा के बीच में ना खड़ा हो जाला छुपे खाते चुप रहा हम कुछ सोच रहा बानी तरह ना लगे तो सोचे खातिर देर हो गई पुलिस यहाँ आ गई। चुप बिल्कुल चुप देखत नहीं हम कुछ सोचत बानी जन तो कहत बड़ो बिल्कुल सच पा
लेकिन पुलिस वॉशरूम में अंदर आवे से पहले मैंने अलमारी चेक करी। हाँ मुटका, ये सब तारा वजह से भइल बा। एक बार तू होश में लेना तो फिर तारा के बताओ तनी। छोड़ा यार सैमी, बेहोश आदमी के काम अरबा। विनोद पूरा कमरा के अच्छा से तलाश लिया, बेड के नीचे, आगे पीछे, कपड़ा के पीछे। जल्दी करा, जल्दी करा। यहां तो नहीं क्या साहब कोई? ना बा, वॉशरूम में चेक करा। लेकिन वॉशरूम में तो करण भाई और पिता बा लोग, अब क्या करें? ऋषभ भैया, करण भाई और प्रीता गेस्ट रूम के वॉशरूम में छिपल बालो और हम बप्पी के साथ अलमारी के पीछे छिपल बानी। पुलिस वॉशरूम चेक करे जातिया, भैया प्लीज जल्दी आ जा वरना करण भाई और प्रीता पकड़ल जाई और हम भी पकड़ल जाए। गॉड, अगर ऋषभ के वो मैसेज ना आत ना तो यहाँ से जात ही ना, और हमके पक्का हमार फोन देवे के पड़ा, हम तो फंसी जाई थी। बाल बाल बचनी भगवान, बाल बाल बच गई नहीं। एक मिनट, ये घर में केहू के चोट ना लगल बा, ई मेडिसिन और मलहम यहाँ का है? इंस्पेक्टर, आप पिताजी के ढूंढा था नहीं ना? यस, हमरा मालूम बा कि पिताजी कहां पे बड़ी। तोरा नाम पक्का करोड़ों के नाम बा, हमें यही बताई कि प्रीतो रोड़ा कहां बड़ी होकर करोड़ मिली। हां प्लीज चुप करा, ऋषभ जी हमने के बचावे की कोशिश कर रहे थे ताकि उनका पता भी कि हम तारा साथ बानी और बिल्कुल सेफ नहीं की। तू इतना बैड टाइम पे बैड जोक मत मारा। उफ, तू बिल्कुल चुप करा, हमके सुने तो बाहर का हो रहा बा। आपके पता बा प्रीता कहाँ बिया? पता बा, हमरा पता बा प्रीता जी कहाँ पे बड़े। लेकिन कुछ देर पहले आप कहत रहने कि हम अपने घर के तलाशी ना लेवे दे, घुसे ना दे हम वगैरह वगैरह, फिर अचानक आपके मन में ये बदलाव कहाँ से आ गई? पूछ सके तो नहीं काहे? आप तो पुलिस वाला हैं, आपके तो काम ही बा पूछल। सर का बदलाव तो होत रहे ना लाइफ में। दादी, हमने के दादी जो आप नीचे दादी से मिले रही ना, आप उनकर वजह से हम आपसे झूठ बोल रहे। अभी प्रॉब्लम बा, प्रॉब्लम पता बा का बा? वहाँ के पुलिस के नाम से ही चिड़ मचेला, एलर्जी बा उनकर पुलिस के नाम से। सर हम मजाक नहीं की करा, मतलब बचपन से ऐसा बा। अभी मैं लॉजिक का बा, हमने के कहा उनका खुद मालूम नहीं के, लेकिन पुलिस के नाम से बहुत चिड़ जाली बिल्कुल। और उकरों से बड़ बात बताई सर, वो प्रीता जी के बहुत ज्यादा प्यार करे ले, इतना प्यार करे ले कि आपन पोता लोग के भी बुला गए बड़ी उनका सामने, इतना ज्यादा प्यार करे ले, अंधा वाला प्यार करे ले, एकदम वैसन वाला प्यार करे ले वो प्रीता जी से। हम मजाक नहीं करत सर, इतना रहा इतना तब वो ठीक रहा। हमने क्या पता बा काट आउट बा, छिप छिप के मिले ली सर, छिप छिप के, क्या बहुत प्यार करे ली प्रीता जी से, ये प्रॉब्लम बा। और उनका प्यार हमने के खा लेला सर, हमने से बर्दाश्त ना होला ये सब। सर आप खुद बताई कहां पर दादी और कहां पर प्रीता जी? समझे तनी ना आप? तो हम आपके ई बात बोला तनी कि आप सबसे पहले दादी के रूम चेक करें। आप तेजा आए गली बनी ना, तो दादी के रूम के भी बात तो हुई है गलबा, तो देर को ना बात के पास सर। दीवार के भी कान होला आपके मालूम नहीं के सर, इससे पहले कि प्रीता जी ऐसे भाग जास, आपके जायज बेकार हो जाओ, आप हमारे बात मानिए, आप हमारे साथ चलिए और प्रीता जी के उजा पकड़ ली। ठीक बा, तो चली दादी के कमरा में तलाशी लेवे खातिर, लेकिन दादी के साथ में रखल बहुत जरूरी बा,
अब वो पता ना कि हम घर के बड़ा बानी तो उनकर साथ में होखल जरूरी बा, तो पहले उनके लेवे के चाहिए। ओके आप कितना ख्याल रखने सर। आई ना आई ना आई आई चली। करण हम इंस्पेक्टर के ई रूम से बाहर लेके जातनी, तू जल्दी से ई कमरा से बाहर निकला और कहीं घर के बाहर जाके छिप जा, जल्दी करा। मिस्टर ऋषभ चली। आप कोर्स आ रहे यार, आप इंतजार कर रहे थे नहीं, लगता सब लोग चल गए, अब हम भी अलमारी के पीछे से बाहर निकले थे नहीं। ऋषभ का मैसेज बा, घर के बाहर जाके छुपी, घर के बाहर कैसे छिपल जाला, वो तो ओपन एरिया बना, बाहर जाती पुलिस हमने के पकड़ ली। ऋषभ जी मैसेज कहले बारे ना तो कुछ सोच समझ के कहले हो की है, तो हर तरह बेवकूफ नहीं की बहुत समझदार पड़ी हूँ, कहले पड़े बाहर निकला तो चला बाहर निकला, चला चला बाहर निकल। देखा हमने तब पकड़ेल गए रहनी, वॉशरूम में पुलिस आवे वाला रहनी, वही बचे ले पड़े, अगर कहले पड़े बाहर निकले तो फिर बाहर चला, चला 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 फटाफट बाहर निकला प्लीज, चला प्लीज चला प्लीज। मम्मी जी करीना दी, हम का बोले तानी कि आप लोग ना बिल्कुल फिकर मत करें, इंस्पेक्टर साहब जब वापस आई है ना तब हम उनकरा से फिर से बात करब, और ये बार सख्ती से बात करब। हाँ भाभी प्लीज प्लीज एक फेवर कर दी, आप बनी ना केहू से कुछ मत कहिया, ठीक बा, कहे कि जब आप एक्टिंग करे की कोशिश करत आनी ना, आप ओवर एक्ट करत आनी, कुछ बात छिपाए चाहता नी तो छिपाए के बदले वो पूरा बात सबके सामने आ जावेला, यही से प्लीज प्लीज ई बार कुछ मत कहिया, बिल्कुल चुप रहिया। ओके दीदी हमार विश्वास करी, जब भी हम कुछ भी बोले नहीं था तो पूरा कोशिश करे नी कि हम एकदम रिलैक्स होके बोली, फ्लो में बोली, कहे कि का करी कभी कभी, अब आप जब बोल रहल बानी कि गलती होई लोगी तब जाने अनजाना में हो गई लोगी हमरा से गलती। राखी आंटी जब बहुत ज्यादा नर्वस होके नी तक सर कुछ ज्यादा ही बोल जाए नी, झूठ भी थोड़ा ज्यादा और गलती भी ज्यादा करे नी, एक ना एक दिन ही गलती के फायदा हमके ही होगी।